अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं खुद अपने आप से पूछ रहा हूँ कि भाई सुबह के 7:30 बजे हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों उठे हैं। अमला हमें तो पता है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं कि क्या सीन है। तो आप नोटिस करे होंगे कि ड्राइविंग सीट पे है, उसकी एक वजह है, और मैं पैसेंजर सीट पे हूँ, उसकी भी एक वजह है। मैं बिल्कुल अभी लिटरली 2 मिनट पहले मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरा जो दिमाग है वो सो रहा होता है, ये तो सो ही नहीं है माशाल्लाह से। ये जो रोड है ये सीधा जाता है एयरपोर्ट, और अभी हम भी एयरपोर्ट के रास्ते में ही है, क्योंकि हमारे आ रहे हैं एक मेहमान। जो मेहमान है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। हमने ये सोचा था कि क्योंकि फिर अगर सारी रात आप जागते रहेंगे तो भाई आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बिल्कुल ही आउट हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि हम आराम से उठते। तो प्लान तो ये था इनिशियली कि 6 बजे हम उठेंगे, लेकिन क्योंकि उनकी जो फ्लाइट है वो किस्मत से जरा डिले हो गई। वो आई थिंक कितने, आधा घंटा डिले हो गई, 1 घंटा डिले हो गई। यार इनिशियली जो पहला टाइम था उससे तो 3 घंटे डिले है, लेकिन जो हमें पता था उससे कोई अराउंड 50 मिनट्स की डिले थी। तो 50 मिनट की एक्स्ट्रा नींद मिल गई, जो कि हम डिजर्व भी करते थे। मैं कितने घंटे सोया हूँ मुझे नहीं आता, तो मेरे से कम नींद पे गुजारा नहीं होता, मुझे पूरी नींद चाहिए। साइको बोलते थे ऐसे, तो तुम अभी भी मुझे साइको बोलते। मुझे ऐसे लोगों की समझ नहीं आती जो सोते नहीं है यार। मतलब ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ कि आप में रात जागने की कैपेबिलिटी है, लेकिन जागना क्यों है? इट्स नॉट अबाउट कैपेबिलिटी। मुझे आदत इसलिए पड़ी थी बिकॉज़ आई फेल लाइक आइडियल पढ़ाई जो है वो रात में होती थी, तब से बस मुझे नाइट आउल की आदत ही पड़ गई। गाइस हम ना कुछ चीजों में हम काफी अलग हैं, काफी ज्यादा अलग हैं। बस वो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यार जो रोड्स हैं वो बिल्कुल बस खाली 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 टाइम है। ये नॉर्मली रोड्स इतने खाली होते नहीं। पता है ना कि हमने एयरपोर्ट के बाद कहां जाना है? कहां? मुझे मैकडॉनल्ड नाश्ते के लिए लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहली बार तो मैं लेके गया था यूके के टाइम पे, पहले वाले 2 पे भी लेके गया था। झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, मैं 2 पे भी लेके गया था जी, मुझे याद है। मतलब ये आप सोचें कि एक बंदे को इस लेवल की नींद आ रही है कि उसने आपको गाड़ी की चाबी पकड़ा दी है। नहीं पकड़ा, यार प्लीज, गाड़ी की चाबी मैंने खुद ली है, तुम तो बोल रहे थे कि मुझे दो, तो मतलब इतनी नींद नहीं आ रही ना। मतलब मुझे ठीक ठाक नींद आ रही है। तो अभी जो हमारे मेहमान है वो उड़ा देंगे तुम्हारी नींद। चले ठीक है, आप कहती है तो। ये इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखें गाइस, ये मुस्कुराहट देखें। तो फाइनली गाइस हम एयरपोर्ट पहुंच गए, ये बिल्कुल हमारे सामने एयरपोर्ट है। आई होप हमारे जो मेहमान निकलने गए हों। भाई ठंड हो रही है मजे की। आज शाम का जो मौसम है वो काफी ट्रांजिशनिंग पीरियड से गुजर रहा है। शाम के टाइम रात के टाइम तो काफी चिली हो जाता है। अभी 7 बज रहे हैं, मतलब उसूलन तो 8 बजे सुबह गर्मी होनी चाहिए, पहले तो गर्मी होती थी। काफी काफी अच्छा मौसम रहता है, मतलब इस्लामाबाद में सबसे अच्छी बात है मौसम। फ्लाइट तो लैंड कर चुकी है, हमारे जो मेहमान है वो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सिम भी नहीं है, तो वो हमें कॉल भी नहीं कर सकते। और मुझे बस एक डर लग रहा है कि वो निकलना चुके हैं। पक्की बात है, उनके लोग तो निकलना शुरू हो गए। मेहमान को पिक कर लिए, आ गए हैं एंड उन्हीं के साथ थे, तो दिखा देते हैं कौन है। ये शैतान है। द हांडी इन द बट हांडी इन द बोटी ये इसको इसलिए टर्म पता है क्योंकि ये ना पिछले जो हमारी वीडियो है उस पर हमें कोई अनयूजुअल किस्म की ना हेट मिली। ओह दे आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये आते साथ ही कहते व्हाट इज रॉन्ग विद द हेट, कीप द मोटा कजन कमेंट्स कमिंग, आई लव। ये रोज बैठ के पढ़ता है इसके ऊपर क्या। I just love the Mota cousin comments because that's all they know me by. Mota cousin. Guys, my name is Shavan. At least refer to me as that. You want breakfast? McDonald's. You know, Desi. If we go Desi, I'd be down. Desi. Then Melody नहीं चट्टास चलते। यार फिर अन्य मुझे वो हलवा पूरी खाने पड़ेगा। Okay, what do you want to have? What do you want to have? McDonald's. No, I didn't want to have anything. तो तुम ना खाना हम खा लेंगे। Wow. Okay. मैं चट्टास चलते हैं ली। वो अच्छे वाला कौन सा था? चट्टास? चट्टा is slightly fancier. And चीमान चट्टा is like थोड़ा सा नीचे, and then refreshment center is basic. नहीं refreshment center का नहीं अच्छा, चट्टा सकते। Sure, I go basic, I don't mind anything. You want halwa puri? Yeah,
Yeah, we do whatever you guys want. No. You, listen, you guys just spoil me, right? Whatever you want to feed me, I'll Pakistani eat. Khane pata hai na? You know halwa puri? Obviously, yeah, we have halwa puri. Halwa puri. Halwa puri. Halwa puri. Itne exquisite dikhe halwa puri. Halwa puri. Halwa puri. Halwa puri. हलवा पूरी हलवा पूरी हलवा कारी साहब बोलते थे बचपन में ए हलवा वाला है ये तो इस तरह का तरफ you know the comments are pulling me and you guys are pulling me nice I'm gonna go back to भूख लग रही है चलो चलो बंदे मेहमान को अपना ये भी दिखा दिए कमरा and कहते clean clean I'm not gonna lie, it's crazy like look at it it's clean bro the gold finish the wood finish The top lights. I feel like I'm in a five-star hotel. Hey, listen. Who designed it? You did? Yeah, yeah auntie, you designed it. To be honest, better than Atlantis. Oh, yeah. Oh. Oh. It got you that much? Karma. कुछ हुआ तो नहीं इसको देखो बेचारे को ग्लासेस वती को जितनी नजर इस बेचारे चश्मे को लगी थी ना ये दो होना तो Guys, we need a request. Everyone go to Shaykha's recent post and her DMs and spam her that she needs to come to Islamabad. We need Shaykha to come to Islamabad for at least a week. चलें वोट फॉर शैगी वोट फॉर शैगी वोट फॉर शैगी वोट फॉर शैगी शैतान को ना ब्रूनो बहुत अच्छा लगता है और वो आया है स्पेशली स्पेशली ब्रूनो से मिलने इधर आपको दिखाते हैं ब्रूनो से इसकी पहली मुलाकात दूसरी एक्चुअली ऑन माय साइड He does. He's just trying to like process the information. इसका साबुन थोड़ा सा स्लो है। बूनी। यार इसको कितना मजा आ रहा है। देखो। बूनी became so much bigger। बूना। यार जब ये मिला था तब ये ज़्यादा कितने डेढ़ साल हो गए दो साल हो गए ना? दो साल। दो साल। Two years yeah. Good boy. You guys have treats for him? Yeah yeah. Maybe can we don't treat? ये इसका ट्री ड्रॉर है यहाँ पे पूरा मुनी ये लो मुनी वो देखो वो tell him to sit up sit down sit down sit down down sit sit yeah he's okay. sad now if you put your hand down he will like go down sit down and like this down down good boy I'll give you one more because I love you all right good boy इस वाली गाड़ी पे थे लेकिन इसमें बहुत ही कुछ चेक लाइट आई हुई थी तो हमने बोला कि भाई जरा गाड़ी बदल लेते सेफ्टी पहले तो अब हम जाने भाई गाइस हलवा पूरी और ये तो शक्ल से लग रहा है अरबी आया है हमारे पास Yo, you know what's the craziest thing? I walked out. There's not a single person that didn't stare at me. आप सोचें गाइस मतलब आप पाकिस्तान में लैंड करें सबने सलवार कमीज पहनी है एक बंदा आता है डिशडाशा पहन के और ऊपर से कुम कुम चप्पल और honest listen I went to Kuwait right so I have to wear the dishdasha for Kuwait it's not like I wore it for here otherwise I would have worn my watermelon yeah suits. shorts and that yeah for Pakistan मैं भूल गया था कि आज संडे है सो जो नाश्तों की जगह है वो जैम पैक्ड है एंड वी आर एट चट्ठा हलवा पूरी खाना है भाई जब सबको खाना है तो हम आगे कंपनी करने चख लेंगे थोड़ा सा चख लेंगे बट हम खाएंगे नहीं गाइस ये गोल्ड हलवा पूरी मुझे समझ नहीं आ रही क्या 11,000 रुपए की हलवा पूरी सोना लगाया हुआ इसके ऊपर क्यों है मतलब मैं सोचा सोने का वर्क लगा के आप किसी भी चीज को जो मर्जी करो साथ साथ तुम दोनों सेम सेम लग रहे हो क्या सेम सेम वो क्या बात है 11,000 के हलवा पूरी क्यों है भाई इसमें कैसा क्या स्पेशल है 24 कैरेट गोल्ड ये तुम जैसे लोग ले भी लेते हैं इसमें तो सोने का वर्क लगाया हुआ है उस जैसे लोग तो बिल्कुल भी ना लें हां दैट्स ट्रू गाइस एक ब्रेन मसाला मंगाया था जो इसकी फरमाइश थी क्योंकि वहां पे मिलता नहीं है एग्जैक्टली यू डोंट गेट इट देयर देयर नो वी गेट द लिवर दो दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड वी डिडंट गेट इट कलेजी ना कलेजी वी गेट नो 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 कलेजी बाहर मुश्किल से मिलती है लाइक यूजुअली ईद पे पेशावर में मैंने देखा था इफ वी गो टू पेशावर देन वी कैन हैव इट How far is the shower? About 2 hours. Yeah, we're not going to shower. enough of road trips, enough traveling. Let's just stay in Islamabad. So, ye guys, brain masala and ye hai halwa puri. Ek aur aa rahi hai. And
कोई शर्म नहीं है गाइस, मेहमान ऐसे ही बैठा है। मेहमान नहीं है वो, वो मेहमान ही है अभी। कैसी है? रियली खिलाओ खिलाओ, तुम खुद खाओ। आई कांट ईट। आगे आगे तुम्हारी। आई जस्ट वेटिंग फॉर माय बदर गाइस। वेट, कैन वी सी व्हाट इफ यू द स्मोक कम्स आउट? ओह इसको सलामत का आते साथ ही तोहफा मिला है जो कि है एलर्जी। मैं तो पैदा ही एलर्जी से आता हूँ, और इस्लामाबाद जैसे ही आया तो यहाँ पे ज्यादा ट्रिगर हो गए। तो मैंने इसको बोला, मैं कहा वेलकम टू माय वर्ल्ड। आंसू आया, right? आंसू आया, यस आंसू। लाल हो गया नोज, लाइक इट्स क्रेजी। अभी इसको हमने एंटी एलर्जी दी है, एक ही दी है। अरे रात सोते रहोगे तुम उसकी वजह से। चलो ओके, सी यू इन द इवनिंग देन। बाय बाय बाय। सुबह वापस आते और सोते सोते हमें काफी टाइम हो गया, और फिर हम काफी देर से उठे, काम शाम किया, फुलिया भी देख रहे होंगे, अभी भी मुंह तक नहीं धोया, लेकिन काम शाम करके थोड़ा सा वाइंड अप किया। तो इतनी देर में भूख लग रही थी, हमने दुबई से ना कोई हल्दीराम की चीजें ले ली थी। तो ये था हल्दीराम का मिनट खाना, इंस्टेंट मील, जस्ट स्टार्ट हॉट वाटर। ने सोचा कि ये बनाते हैं, जरा टेस्ट करते हैं। मैं इसके बारे में ना एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाना चाह रहा था कि जी इंडियन स्नैक्स कैसे, इंडियन खाना कैसे। हमने इसको गर्म किया है, मतलब जो भी इसमें चीज़ें डालनी होती थी। तो ये दाल मखनी विद राइस है, बासमती राइस विद ब्लैक ग्राम लेंटिल करी। मिनट खाना सर्व्स वन। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी बॉटरी ज़्यादा है, बट देखते हैं। ये मेरे ख्याल से मसर की दाल लग रही है। मैंने जब भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट से वेजिटेरियन खाना मंगाया है, अमेजिंग फूड। आई डोंट थिंक कि इंडियन से बेहतर सब्जियां कोई बनाता है। मतलब पाकिस्तानी बहुत अच्छी सब्जियां बनती है, लेकिन पाकिस्तानी सब्जियों में ये होता है कि सब्जियों के साथ जाहिर सी बात है गोश्त होता है, या मटन होता है, या लैम होता है, या चिकन होता है, या बीफ होता है, कुछ ना कुछ हमेशा होता है, कोई मीट होता है। इंडियन जो होते हैं वो पनीर डालते हैं, या सब्जी ऑन इट्स ओन ना। ये जरा ट्राई करते हैं दाल, अब इंडियन दाल देखते हैं ये पाकिस्तानी दालों से बेहतर है, क्या डिफरेंस है अभी बता। गाइस होने वाला है मुकाबला, टेस्ट टेस्ट ऑफ इंडियन फूड। ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है यार? दुबई में या दुबई में ही लिखा हुआ है? नहीं, मैंने नोएडा में बनाई तो दुबई का लिखा है, वो इंपोर्टेड होगा। इतना वाटरी क्यों है? मैंने तो पानी उतना ही डाला। तुमने कम डाल, ज्यादा डाला होगा। नहीं भाई, ये देखो वाटर लाइन तक। हाँ तो थोड़ा मतलब देख के डालती ना, फिर बाद में और डाल देती। ओके टेस्ट। इट डजंट स्मेल वेरी नाइस यार। इंडियन फॉलोअर्स नाराज नहीं होना, हम तो ऑनेस्ट फीडबैक देख रहे हैं। आपका टेस्ट पहले डिफरेंट हो सकता है, हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट बताएं। हाँ जी, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट ग्रेट ईदर। लाइक मतलब इंस्टेंट के हिसाब से, आई एम श्योर कि वैसे अच्छा होता होगा। फॉर अ लाइक इंस्टेंट मील इट्स नाइस। लाइक जितनी इसमें से स्मेल अच्छी नहीं आ रही थी ना, उतना उस हिसाब से अच्छा है। लाइक आई लाइक द मक्खन का टेस्ट है हाँ, मगर दाल चावल नहीं फील हो रहा। लाइक लग रहा है मैं कोई सूप पी रही हूँ। वो तो मैं पानी ज़्यादा डाल दिया ना, मेरी बारी, मुझे भी टेस्ट करने दो। 7 out of 10, दैट्स नॉट बैड फॉर अ फ्रोजन मील, दैट्स नॉट बैड। लाइक रेडी टू ईट भी देखते हैं। निहार मुँह हम खा रहे हैं भाई, गाइस बड़े अजीब टाइम पे। थोड़ा बंदा गरम है, सबर कर लेता है। थोड़ा मैगी नूडल फील नहीं आ रही? हाँ लाइक टेक्सचर में, हाँ थोड़ा मैगी वाली, पानी की वजह से आई थिंक आ रही है। मैं थोड़ा पानी ना वो करता हूँ यूं नीचे। ये तो इंडियंस ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं। हाँ आई थिंक खाते हैं वैसे, मैंने देखी उनकी वीडियोस। बिकॉज़ गाइस आप अगर इंडिया से देख रहे हैं तो हमें मतलब डिफरेंट होते हैं ना कल्चर्स, डिफरेंट। मुझे बड़ा शौक इंडिया आने का, वहाँ के खाने ट्राई करने का, को वीज़ा दे दे। तो सीन ये है कि पाकिस्तान में जो आपको दाल चावल मिलती है ना, वो चावल होती है लेकिन पोर्शनेड होती है। इंडिया में मैं जब भी कोई फूड वीडियो देखता हूँ, कुछ लोग बहुत दाल डालते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली घरों की बात करूँ और इंडियंस की, मैं जब वो देखता हूँ कोई भी फूड वीडियोस, तो चलो ना बाइट लो। अब इत कब से तो ऊपर पड़ा हुआ, अब तो गर्म नहीं होगा। हाँ, it doesn't taste like दाल चावल। हाँ, it tastes like a nice instant meal but not दाल चावल। मतलब और वो भी काली वाली दाल का तो इतना like strong flavor होता है। मसर है ना ये। मतलब छोले try करेंगे next। मतलब अगर पानी डाल यार, अगर तो मैं बिल्कुल ही फैमिली से कट के रहता हूँ, मेरे टाइम ना होना, तो मैं वाकई खाता हूँ। मतलब ठीक है, गुजारे लाइक है। आई वुड गिव इट अ 5 on 10। मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हूँ। अनिया ने मेरे ख्याल से वो थोड़ा इंडियन फॉलोअर्स नाराज़ी। भाई आपका हॉनेस्ट है,
फुल हॉनेस्ट क्या छुप के देख रही है इसको नंबर दो हल्दीराम का इंस्टेंट दाल चावल देखते हैं दाल मखनी चावल नहीं है हाँ लाइक इंस्टेंट मील है नूडल्स लग रहे हैं नूडल्स लग रहे हैं सो गाइस देखिए अब हम मतलब नाराज नहीं करना चाहते हमें ना डिप्लोमेसी नहीं आती हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं मतलब जो आता है मुंह में बोल देते हैं ठीक है मतलब रेडी टू ईट के हिसाब से लेकिन यार मुझे कोई इंडिया का वीजा दे दे यार अच्छा बस खाना ट्राई करना है प्लीज यार मुझे कोई दे दे मुझे वर्ल्ड कप देखना है वो अच्छा मजे की बात ये है कि मिल रहे हैं एजेंट्स भी देने कोई 2000 पाउंड का फॉर टू डेज वन डेज इट डजंट मेक सेंस मतलब इट्स वे टू एक्सपेंसिव मतलब गाइस ऑन अ सीरियस नोट अगर कोई रीजनेबल प्राइस पे होती ना तो मैं लाजमी आता मतलब मैं किसी को बताता ना कि मुझे इंडिया जाने का बड़ा शौक है तो कहते हैं यार पाकिस्तान इंडिया सेम ही तो है मतलब क्या डिफरेंट है भाई खाना द फूड और मुझे बड़ा शौक है देखने का कि सेम किस्म का लोग है पाकिस्तानी भी सेम है इंडियन भी सेम है मार्जिनल फर्क है तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है और कैसे रहते हैं हमसे कोई भूल हो गए तो हम चेक करते हैं अम्मा का रिव्यू उनका ये रेडीमेड दाल चावल है हल्दीराम का मुझे थोड़ा सा चाय का भी टेस्ट आ रहा है नहीं ऐसा भी नहीं है हमें डिप्लोमेट नहीं बनना सही चल रहा है इसको 10 में से नंबर दो 4 मैंने हाँ मैंने चल चल गाइस मैंने 5 दिए थे थोड़े से नॉट बैड हमारे पाकिस्तानी दाल चावल की क्या बात ये इंस्टेंट भी है ना हाँ। वो भी मतलब जाहिर से पता है इंस्टेंट खाने में वो फील नहीं होती ना अम्मा लेकिन इतने बुरे नहीं है लेकिन हमारे बहुत जबरदस्त होते हैं अम्मा तो हमारे फ्रेश अच्छे होते हैं ना हमारे फ्रोजन है का हमारे तो होते ही नहीं बोटी ले लो हाँ ले लो पुलाव बन भी क्या चलो चलो हाँ अभी फौरन थोड़ी खाना खाएगा मैं नहाने के आ गया पीछे से सारों ने खाना ही खा लिया हमने अपना जो पुलाव है वो 200 ग्राम्स और ये अपनी बोटियां थोड़ी ज्यादा ली अम्मा कहती अम्मा कहती किसी के लिए बची नहीं है सारे चावल चावल रह गए बोटियां सारी निकल वाली अब मैं क्या करूं तो अम्मा ज्यादा पकाना था ना पता है कि बेटा ज्यादा खाता है 2 किलो गोश्त डाला है और कितना डालूं तो जब पता है कि बेटा किलो खा लेता है तो ज्यादा डालना था डाले बेटा किलो छोड़ दिए बाकी गैस ये लेके चलते हैं और चम्मच कांटा निकाल लो गाइस ये है वो लोग दोगले लोग जो मेरे बगैर खाना खा चुके हैं तो मैं नाराज हो गया था क्योंकि तुम लोग मेरे बगैर खा रहे थे मैंने बोला था चलो 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 अब इन्होंने आंटी का नाम ले लिया है तो फिर अब क्या कर सकते हैं अब निगेट्स कुकिंग क्या तुमने खुद ही कहा था मैं अभी नहीं खा रहा जी यार अम्मा भी गवाही दे देखो गाइस ये देखें ये चीटिंग हो रही है मुझे ये 2 लाख सब्सक्राइबर अपनी साइड पे चाहिए क्योंकि ये तीनों ने टीम अप कर लिया मेरे अगेंस्ट यार ये जो पुलाव की गेम्स है ना अम्मा की यू गॉट टू गेट द चटनी विद इट दो चटनी चटनी मैं नहीं खाता Yeah, but pulao is not supposed to have a kick. It's supposed to be just rice like and very, yeah, yeah. White people food. Yaar dekho, which white people eat pulao? I feel, agar kisi bhi cheez ko sauce ki zarurat hai na, on its own nahi khaya aapne, so it's not nice. That's what I believe. I don't believe in dips. I don't believe in ketchup. I don't believe in. Bro, it's like having a plain cake and saying you don't need those like lemon toppings for everything. That makes no sense. The cake is different. Food is different. No, but food also like nahari, right? Yeah. You add those condiments like you know the green stuff. That's not condiments. That's not condiment. Well, if you put lemon into nahari, it makes it way better. Yeah. So, I know what you're trying to do. Yeah, like, no, but I mean like as an extra. You know, if you put nahari by itself, you get the spice and you get the fattiness and you get the sauce. Yeah. But if you add like lemon and those ginger pieces, you get me? Yeah, so yeah. That makes nahari nice. Yeah. So garnishing is different. Like, abhi jaise iske upar agar main fried pyaz dalun, that's nice. So. That's like an addition. So guys, खाना शाना खा के फारिग होके हमने सोचा कि इसको थोड़ी सी इस्लामाबाद की सैर कराई जाए दिखाया जाए कि पाकिस्तान जो है वो कितना खूबसूरत है और
ये हल्का ले रहा है थोड़ा। हमने बोला कि कराची तो फिरा, इस्लामाबाद दिखा। सबसे पहले स्पॉट नंबर वन था शिकारपुरी की, हमने गुलाब जामुन लिए क्योंकि इसको ट्राई कराने थे, वापस नहीं खाए तो उसको इतने अच्छे नहीं लगे। हमने बोला भाई तुमने अभी बर्फी खाई है, आफ्टर टेस्ट खराब हुआ है, हमने जरा पैक करा लिए, घर जाके इसको दोबारा कराएंगे। जिन लोगों को नहीं पता शिकारपुरी स्वीट्स है मिठाई की दुकान G9 मरकज में, जिन लोगों को नहीं पता, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें भी नहीं पता था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट गुलाब जामुन इन पाकिस्तान, बहुत बड़ा क्लेम है। और फिर अब हम आ गए हैं, ये एशियन वॉक, ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है हमारी। सो अब हम इसको लेके आए हैं बर्निंग ब्राउनी, हमने बोला जरा यहाँ पे चिलिंग शिलिंग करते हैं और रात का हमारा आराम से खाने छाने का प्लान है। तो अभी जरा बर्निंग ब्राउनी में जाके, क्योंकि चिलिंग स्पॉट बड़ा अच्छा है, वाइबी है, तो वहाँ पे चलते हैं। Guys, look at the definition of vibey. Well, this looks like a sketchy area we're going into. No, don't worry. This is the back side. Yeah, back side. बर्निंग ब्राउनी आए और चीज केक ना खाया, तो क्या खाया? तो ये बंदा कुवैत के एयरपोर्ट पे बैठ के ना चीज केक फैक्ट्री खा रहा था, तो बड़ा ही एक इम्तिहान है। हमने बोला कि यार इस्लामाबाद का पाकिस्तान का बेस्ट चीज केक, हम तो बड़ा प्राउडली बोलते हैं, तो अब ये देखते हैं हाउ डज इट लिव अप टू द हाइप। प्रेजेंटेशन इज रियली गुड। अच्छा, व्हाट डू आई फील लाइक गॉर्डन रैम्सी राइट नाउ? अच्छा, देखते हैं। ओके, जस्ट बी ऑनेस्ट, लाइक इट रियली गुड। इफ चीज केक इज लाइक 10, चीज केक फैक्ट्री इट विल बी लाइक अ 6। नॉट बैड यार, नॉट बैड। Yeah. It's a little too smooth, but it's nice. It's like really nice. That's I like nice. It. Giving me my cheesecake fulfillment. Guys, हमारी इज्जत रह गई है. It's better than the gulab jamun. That's all I'm gonna say. ये नहीं बोलना चाहिए था. ईगो, हमारी ईगो हर्ट हुई है, guys. इसने हमारी शिकारपुरी के गुलाब जामुन को खराब बोला. शिकारपुरी के गुलाब जामुन are the best, in my opinion. They put me in the spot. They're like, here, he came from Oman. Let him try it. I ate it. I was like, this is one of the most mid gulab jamuns I had in my life. We love it, and we got a whole box just for you to try it at home. Hey, listen, shout out to Yunus. He brings the best Bengali gulab jamun I've seen in my life. Really? That's the best gulab jamun I've had in my life. चलान का ओमान में जो शेफ है ना, हाउस कीपर, तो वो बंगाली है। वो रसगुल्ला, ये चीज़ें जो होती हैं वो उनकी स्पेशलिटी होती हैं गुलाब जामुन वगैरह। तो चलान अब हमारे गुलाब जामुन को नीचे लेके चला गया और यूनस के गुलाब जामुन को ऊपर लेके चला गया। तो गाइस, अब सीन ये है कि रात के इस पहर हम जरा ऑफिस आ गए अपने। ये हमारा छोटा सा एक ऑफिस है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा काम करके वाइंड अप करके फिर जाते हैं सोने। ये जरा आप नोटिस कर सकते हैं कि जो टेबल है काफी गंदी हुई है, एंड जितने भी ऑर्डर्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे शिप हो गए। मतलब मैं यार ऑनेस्टली जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना उतना कम। मतलब सीरियसली, आप जितना मर्जी सजदे में जाएं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये कभी काफी नहीं होता। और मैं दिल से, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ब्लिसफुल को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने में आप लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ। ब्लिसफुल इन ऊंचाइयों पे ना होता अगर आप लोगों का सपोर्ट ना होता। तो आज की वीडियो हम गाइस यहीं पे करते हैं ख़त्म। थोड़े से सेंटी हो रहे थे, मैं कहा जब सेंटी होता हूँ ना तो फिर वीडियो एंड कर देनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद ना फिर आपके भाई का बहुत ज़्यादा सेंटीपन बाहर आता है। तो गाइस, चलें आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।